नॉर्मली मक्की की रोटी बनाने के लिए ना थोड़ा सा गुनगुना पानी, हमारे यहाँ पे सफेद आटा होता है, सफेद, देखो। सिर्फ कई कई जगह पे ना मक्की की रोटी का ये रेड कलर का आता है, येलो येलो कलर का आता है आटा ना, वो गर्म होती काफी, तो मोस्टली ना आटे को ऐसे गूंथा जाता है। ऐसे गूंथ के मैं आगे का बताती रहती हूँ आपको। कभी भी आप जब मक्की की रोटी बनाएं, उसके लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी करें, फिर आटे को गूंथ के देखें, रोटी आपकी इतनी परफेक्ट बनेगी ना, आपके सामने ही है नतीजा, आपके सामने ही है, देखिए दिखाती हूँ आगे का भी आपको। ये रोटी मैंने तवे पे लगा दी है, आगे जैसे जैसे मैं बनाती जाऊंगी। एक बार ना पता है क्या, मेरे दादू थे, अभी नहीं है, मेरे दादू, दादू ससुर नहीं, मेरे दादू ना, वो कहते थे कि चपातियां और मक्की की रोटियां इतनी इतनी की स्पीड से बनानी, हमारे वहां तो मतलब हिमाचल में मोस्टली चूल्हे पे बनाई जाती है ना, वो कहते थे इतनी स्पीड से बनानी, इतनी की स्पीड एक गृहिणी की निशानी होती है, इतनी की स्पीड से बनानी कि एक रोटी हाथ पे, एक रोटी तवे पे और एक रोटी चूल्हे में। तो आप खुद देख लो कि कितनी कितनी स्पीड में बोलते होने दादू कि इतनी स्पीड में रोटियां बनाया करो, कहते वो गृहिणी की निशानी होती है। हम लोगों का क्या है, सिलेंडर जल रहा है, गैस जल रही है तो चली जाए, हमने जिस तरह से बनानी है उसी तरह से, है ना। लेकिन नहीं, पहले का ऐसे था, वो कहते थे कि जितना वो हो सके, जितना फास्ट हो सके, उतना फास्ट ही काम को उसी हिसाब से करना है। आप भी जब ट्राई करोगे तो आप भी ऐसे ही ट्राई करिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ज़्यादा गेहूं की रोटी मतलब चपातियाँ खाना ज़्यादा पसंद करते हो या फिर मक्की की रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हो। वैसे जिनके घर में मक्की की रोटी बनती है वो तो सर्दियों में, मैं जानती हूँ, चपातियों की तरफ कम ही ध्यान देते होंगे और ये बस उनको मक्की की रोटी ही चाहिए। हमारे घर में तो देखो ऐसे ही होता है, अब जैसा हमारे घर में होता है वो यही सोच के चलते हैं ना कि दूसरों के घर में भी जो खाते हैं उनके घर में भी ऐसा ही होता होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो लोग मक्के की रोटियां खाते हैं उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ के साथ मक्के की रोटी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे साथ ये अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है व्यूअर्स, बाय, थैंक यू।